हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आप लोगों को मैं एक नई जानकारी देने वाला हूँ। इस जानकारी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाटर बिजनेस यानी कि जो बोतल का जो पानी होता है उसका बिजनेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि इंसान के लिए पानी और पैसा दोनों बेहद ज़रूरी है। पानी के बिना तो जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। साफ पानी की डिमांड दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रही, ऐसे में इसका बिजनेस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में बोतल बंद पानी का बिजनेस सालाना 20% की दर से बढ़ रहा है। 1 लीटर पानी का बोतल बाजार में 75% हिस्सेदारी है। आप भी इस बिजनेस के जरिए बेहद कम निवेश के साथ में मोटी कमाई कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि कम से कम इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं इस आर ओ मिनरल वाटर के बिजनेस के साथ में। तो RO या मिनरल वाटर का बिजनेस के धंधे में जो है कि ब्रांडेड कंपनियां जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। मार्केट में आपको छोटी बड़ी बोतल से लेकर के 20 लीटर की बड़ी बोतल तक मुहैया कराई जा रही है। वहीं घरों के इस्तेमाल के लिए इससे भी बड़ी बोतल मिल रही है। अगर आपको करने की इच्छा है तो इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले आप एक कंपनी का नामकरण करें और कंपनी का जो है कि रजिस्ट्रेशन कर लें, पैन और GST नंबर जैसे तमाम जो भी इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होते हैं वो कर सकते हैं। तो बोरिंग करने के लिए और RO और चिलर मशीन यानी कि ठंड वगैरह करने के लिए आपको 1000 से लेकर के 1500 वर्ग फुट की जगह जो है वो मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें पानी के लिए स्टोरेज करने के लिए आपको टंकी वगैरह जो है वो बनाना पड़ सके। और हाँ, वाटर प्लांट लगाने के लिए आपको विशेष तरीके से इसका ध्यान रखना होगा इन बातों का, जिसमें कि वाटर प्लांट के लिए आपको ऐसे जगह का चयन करना है जहाँ का TDS लेवल ज़्यादा ना हो। इसके बाद प्रशासन से लाइसेंस और ISI नंबर लेना होगा। कई कंपनियां कमर्शियल RO प्लांट बना रही है जिसकी कीमत 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक आ सकती है। जैसा कि आप RO प्लांट अगर डालना चाह रहे हैं तो 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक का प्लांट जो है वो आप डाल सकते हैं नॉर्मली। और इसके साथ आपको कम से कम 100 जार यानी कि 20 लीटर वाली जो बोतलें होती है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसको आपको खरीदने पड़ेंगे। कम से कम 100 आपके पास हो तो आप उसको बाजार में मार्केट में रिफिल करके दोबारा उसको भेज सकते हैं। तो इन सब में आपको लगभग टोटल खर्च जो है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा प्लांट लगाते हैं जहाँ 1000 लीटर प्रति घंटा पानी का प्रोडक्शन होता है तो कम से कम आपको 30,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये हर महीने आसानी से कमाई हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर आपको अपने पानी में जो है से कि आपको एक अच्छे जो क्वालिटी होते हैं बेस्ट तरीके से प्यूरीफाई करके तभी जा करके आप मार्केट में आपको भेजना होगा। और बोतलें जो है, बोतलों की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा अच्छे और बढ़िया रखें ताकि मार्केट में बोतल आप जब लंच कर रहे हैं तो टूटे फूटे ना, जिससे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ से बचें और अच्छे ब्रांड का अच्छे तरीके से अपने बोतलों को निर्माण करें। अगर आपके पास 100 से 150 रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और प्रतिदिन 1 कंटेनर जो है कि पानी आप सप्लाई कर रहे हैं और 1 कंटेनर की 25 रुपये कीमत है, तो हर महीने में आप लगभग इससे 1 लाख से प्लस की कमाई करेंगे। इसमें जो है कि सैलरी वगैरह, अपने स्टाफ के सैलरी, किराया, बिजली बिल, डीजल, अन्य खर्चे को निकाल करके आप यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये का आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जैसे ग्राहकों में इजाफा होगा वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। तो होप आप इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वाटर RO के बिजनेस के बारे में वीडियो। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड वीडियो वगैरह लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।